हेलो दोस्तों, चलिए इसमें देखते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, SSC, पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी के लिए दे गए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त का माप है? तो सी ऑप्शन है द्रव्यमान। अगला है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो ए ऑप्शन है कैलोरी। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो सी ऑप्शन द्रव्यमान। अगला है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो बी ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम। पांचवा है, समुद्र में पिलौन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो बी ऑप्शन 1/10। अगला है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो सी ऑप्शन है घर्षण की कमी के कारण। अगला है, सातवां है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो बी ए ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा। अगला है, आठवां, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों इस्तेमाल वस्तुता की किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ए ऑप्शन है पास्कल का नियम। नौवां क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से एक क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो ये ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल। अगला है, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो सी ऑप्शन रैखिक संवेग के। 11वां है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो सी ऑप्शन है 1/6। 12वां है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर। 13वां है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो बी ऑप्शन पृष्ठ तनाव। अगला है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो बी ऑप्शन ग्रीस। अगला है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो सी ऑप्शन है उतना ही रहेगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ए ऑप्शन है न्यूटन। अगला 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलो kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है? तो बी ऑप्शन है 9.8 N। अगला है, 18, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? सी ऑप्शन 740 वाट। 19 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो डी ऑप्शन ब्रह्मगुप्त ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो ये ऑप्शन है जूल। अगला है, कितना तापमान होने पर पार्ट यांग सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये ऑप्शन है -40 डिग्री। अगला है, 22, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में क्या होगा? तो ये ऑप्शन है 140 फॉरेनहाइट। अगला है, किस झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है? झील के अतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो डी ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो बी ऑप्शन है पारा। अगला है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? बी ऑप्शन संवहन। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है? तो बी ऑप्शन है भाप। अगला है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन है वाष्पीकरण। अगला है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ए ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है? तो बी ऑप्शन जल की। अगला 30, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो ये ऑप्शन वाष्पन। अगला 31, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो बी ऑप्शन वाष्पीकरण। 32 है, शिखर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? तो डी ऑप्शन पिति ध्वनि का निर्धारण, डी ऑप्शन सही है। 33 है, लगभग 20 डिग्री तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो डी ऑप्शन लोहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? तो ए ऑप्शन है ध्रुवण। अगला है, ध्वनि तरंग किसके कारण पिति ध्वनि उत्पन्न करती है? तो सी ऑप्शन परावर्तन।
छत्तीस है पास आ 36 क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो बी ऑप्शन डॉल्फर प्रभाव। अगला, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है होगी? तो डी ऑप्शन लोहा। अगला है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो सी ऑप्शन मैक्सवेल। अगला है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सी ऑप्शन 8 मिनट 16.6 सेकंड। अगला है, 40 पानी में डूबी एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो सी ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन। 41 से एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ यह वास्तव में किस समृद्धि के कारण है? तो डी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है, संबंधित माध्यम योग के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का संघनन से विरल माध्यम की ओर जाने वाला विकास किरण क्या कहती है? तो सी ऑप्शन है परावर्तन। अगला है, 43 सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सी ऑप्शन विकिरण। डन। 44 से पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल का। कार चलाते समय आने अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो उत्तल, डी ऑप्शन सही है। अगला, 40 एक व्यक्ति दो समतल कोण दर्पण को जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उस कितने फीति में देखेंगे? तो सी ऑप्शन है 5। अगला, 47 हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो सी ऑप्शन है समांतर। अगला है, 48 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो डी ऑप्शन लाल और हरा। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये ऑप्शन है उत्तल। अगला है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को पितिरोपित किया जाता है? तो ये ऑप्शन है कॉर्निया। अगला है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो सी ऑप्शन मायोपिया। अगला है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो इसमें यह ऑप्शन प्रकाश तरंग। अगला है, 53 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो बी ऑप्शन है नत्थोदार। अगला है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देती है? तो सी ऑप्शन है 21 जून को। अगला है, 55 अवबिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है सेलेंडरी लेंस। अगला है, 56 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? तो डी ऑप्शन चांदी। अगला है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डी ऑप्शन अर्ग। अगला है, 58 ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो डी ऑप्शन धारा और वोल्टता दोनों। 59 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना रहता है? तो डी ऑप्शन टंगस्टन। 60 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो सी ऑप्शन बेंजामिन फैकलिन। 61 है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दीप ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? सी ऑप्शन 65 के। 62 है, एक ही के परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो सी ऑप्शन सिलिकॉन। 63 है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन है अर्धचालक। अगला है, स्थिर विद्युत आपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो डी ऑप्शन वायु प्रदूषक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुम्बकीय है? तो सी ऑप्शन है ऑक्सीजन। अगला, 66 पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विद्युत विस्तृत होती है? तो डी ऑप्शन दक्षिण से उत्तर। अगला है, 67 जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो बी ऑप्शन है 4। अगला है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? डी समस्थानिक। 69 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो सी ऑप्शन जर्कोनियम।
अगला, पृथ्वी की वायु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सी डी ऑप्शन है यूरेनियम विधि। अगला, एकत्र खनिज नलिका उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो सी ऑप्शन है एक्स किरणें। अगला, भक्त निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो बी ऑप्शन है जर्मेनियम। 73, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन है यूरेनियम। 74, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो अतिचालकता, ये ऑप्शन। 75, ले ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किस सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो डी ऑप्शन आर्किमिडीज। 76, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? तो ए ऑप्शन किसने किया था? तो राइट विदर्स, ए ऑप्शन सही है। 77, मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। 78, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? डी ऑप्शन है सोनार। अगला, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो डी ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। 80 है, कुलीज नल का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो सी ऑप्शन है सुई ऑप्शन है एक्स किरणें। 81 हमारा, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन है परमाणु घड़ियां। अगला, 82 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो बी ऑप्शन है डायोप्टर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो बी ऑप्शन द्विमान नहीं है। 84 है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो ये ऑप्शन है बल। अगली, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो बी ऑप्शन है 36 से 45 डिग्री कोण का कोण। अगला, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो बी ए ऑप्शन है पारा। किस बिंदु पर फॉरेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाता है? तो डी ऑप्शन है 160 फॉरेनहाइट। अगला, सेल्सियस में मापा कौन सा तापमान तापक्रम 300 के बराबर होता है? तो ए वह बी 27 डिग्री सेल्सियस। 89 है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंग की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? बी ऑप्शन सोनार। अगला, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है सोनोग्राफी। अगला, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? डी ऑप्शन है परावर्लिक दर्पण। अगला है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है? डी है अनंत। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है? तो ए ऑप्शन सही है, दूरदृष्टि। अगला है, निम्नलिखित प्रकार कि कांचों में से कौन सा ही प्रावैगिनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो इसमें डी ऑप्शन कुक्स कांच। 95, प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होती है? तो ये ऑप्शन कांच। अगली, विकिरण की कण प्रगति की पुष्टि किससे की जाती है? तो बी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला, 97, निम्नलिखित में से अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो बी ऑप्शन है सिलिनियम।